हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा एक कॉम होल्डर बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है। इसे मैंने प्लास्टिक के बोरे से बनाया है और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 से 3 कॉम को यहाँ पर हैंग कर दिया है, क्लेचर को भी हैंग कर दिया है और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की प्लास्टिक की बोरी से कॉम होल्डर बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी दोनों साइड को कट कर लेते हैं, आगे और पीछे की। तो आप व्हाइट कलर की बोरी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये रेड कलर की बोरी ली हुई है। तो दूसरी साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। तो दोनों साइड से कट कर लिया है। तो अब हम इसे एक साइड से कट करेंगे और एक साइड से हम इसे जुड़ाई रहने देंगे। तो एक साइड से और कट कर लेते हैं। देखिए, एक साइड से और कट कर लिया है मैंने। ये देखिए, इसे मैंने एक साइड से और कट कर लिया है। तो अब हम इसमें से जो धागे हैं इनको हम इस तरह से खींच कर निकाल देंगे। तो जो भी धागे हैं इसमें प्लास्टिक के, इनको हम खींच कर निकाल देंगे। थोड़ा सा खींचने से आसानी से निकल रहे हैं ये धागे। इसी तरह से हम इसके सारे धागे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके सारे धागे निकाल लिए हैं बोरे के। तो अब हम इसे सेंटर से पकड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो इसे हमें डबल करके रखना है। तो इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे और इसमें से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। इस तरीके से पकड़ लेंगे सेंटर से, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कोई भी अपना पुराना बैंगल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक अपना पुराना बैंगल ले लिया है और इसके अंदर हम इस बैंगल को डालेंगे इस तरीके से। तो इसके सेंटर में हमें डालना है बैंगल को। तो ये देखिए, मैंने बैंगल को इसमें इस तरीके से फंसा लिया है, इसके बीच में डाल लिया है, ये देखिए। और ये देखिए, ये हमारा इस तरह से है। तो अब हम यहाँ पर अपने बैंगल को बांध लेंगे अच्छे से। तो इसी में से जो हमने बोरा लिया है, इसी में से हम एक धागा लेंगे और इसे हम यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से टाइटी नॉट करना है। दो से तीन बार हम इसमें नॉट लगा लेंगे, जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि प्लास्टिक है वो खिसकता है, तो इसलिए ये इसका खुलने का डर है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे बांध लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से छोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम इसे बांध लेंगे, जिससे कि इसमें हम अपने क्लेचर भी लगा सकें।
तो इनको हम यहाँ तक इसमें बांध लेते हैं। आप चाहें तो इसे चोटी की तरह गूंथ सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस तरीके से। इस तरीके से भी आप इसे थोड़ा सा गूंथ सकते हैं, जिससे कि इसमें आप अपने क्लेचर भी लगा सकें आराम से। तो इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा गूंथ लिया है, दो से तीन गूंथ लगा ली हैं इसमें। इस तरीके से भी आप इसे थोड़ा सा गूंथ सकते हैं, जिससे कि इसमें आप अपने क्लेचर भी लगा सकें आराम से। तो इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा गूंथ लिया है, दो से तीन गूंथ लगा ली हैं इसमें। तो इसमें मैंने गूंथ लगा ली है और यहाँ पर मैंने इसे बांध लिया है। जिस तरीके से मैंने ऊपर इसे नॉट किया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसे नॉट कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से लेंगे, इस तरह से रखेंगे और जो भी इसमें एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, बट हम जब इसकी फिनिशिंग कर देंगे तो इससे और भी अच्छा लगेगा ये। तो इसे हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है और ये यहाँ से देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से टस्टर्स लगाएंगे, तो उनके लिए भी हम ये प्लास्टिक की बोरी की है ये धागे लेंगे, जिनको हमने निकाला था उन्हीं को लेंगे। तो 10 से 12 हम धागे लेंगे एक बार में। तो ये देखिए, दो से तीन बार मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है और इसे मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसे लेंगे और इसके सेंटर में हम यहाँ पर इसे बांध लेंगे इस तरीके से। आप अगर आपके पास ये बोरी की प्लास्टिक कम है तो आप इसकी जगह ऊन का भी उपयोग इसमें कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे भी हम यहाँ पर इसी धागे से बांध लेते हैं, जिससे कि ये दिखेगा नहीं। और इसे भी हम यहाँ से कट कर देंगे, एकदम फिनिशिंग कर लेंगे। मैंने फिर से ये 8 से 10 धागे ले लिए हैं और इनको मैंने डबल बार फोल्ड कर लिया है। एक बार और फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से, फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और ये देखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसे जिस तरीके से हमने अभी इसको बांधा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको भी बांध लेंगे। आप इसको धागे से भी बांध सकते हैं, आप इसको प्लास्टिक का जो बोरा है उसके धागे से भी आप इसको बांध सकते हैं। तो और आप इसकी पहले भी कटिंग कर सकते हैं, आप इसकी बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले बांध लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करूँगी। ये देखिए, इसे मैंने बांध लिया है और इसे मैंने रील के धागे से बांधा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक का धागा था वो हमारा खिसक रहा था बार बार पर, तो इसलिए मैंने इसको रील के धागे से बांध लिया है। तो मैंने इसे रेड कलर के धागे से बांधा हुआ है और ये दिख नहीं रहा है, तो ये अच्छा है। और इसे भी हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे, अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे इसकी और इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें इसके चारों ओर ये टसल्स
लगाने हैं, तो इनको हम बांधकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके चारों ओर ये टसल्स लगा लिए हैं। आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से चारों ओर शीशे भी लगा सकते हैं, जिससे ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा शीशा लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर मैं, मेरे पास इतना छोटा शीशा है तो मैं इसे यहाँ पर चिपका दूँगी इस तरीके से रखकर, जिससे कि ये काफ़ी सुंदर लगेगा इस तरह से रखने से। और इसके चारों ओर मैं ये हाफ वाले शीशे लगा दूँगी, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसे चिपका लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसमें ग्लूगन का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फेविकॉल भी लगा सकते हैं, ये फेविकॉल से भी अच्छे से चिपक जाएगा। मैं यहाँ पर ग्लूगन से चिपका रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा दिया है। आप इसमें थोड़ा बड़ा शीशा भी लगा सकते हैं, जितना बड़ा आप लगाना चाहें उतना। तो मैं इस पर ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर सेंटर में चिपका दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ पर गोल शीशे भी लगा सकते हैं इसमें इस तरीके के, और आप चाहें इसमें चौको शीशे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चौको शीशे चिपका देती हूँ। ये देखिए मैंने इस पर ये शीशे चिपका दिए हैं और ये देखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप इन शीशों को चिपका दें और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम थोड़े से इसे और डेकोरेट करेंगे, जिससे ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट और कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें मोती लगाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह के स्टिकर वाले ये स्टोन लगा देती हूँ। तो इसे आपको किसी भी ग्लू से चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लू पहले से ही होता है इन स्टिकर्स में। तो इस तरह से हम इनको इसके चारों ओर चिपका देंगे। तो ये देखिए देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है इस तरीके से लगाने से। पर हम एक इस तरह का मोती ये शीशा लगा देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने बना के तैयार कर लिया है, ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 से 3 कॉम को होल्ड कर इस पे हैंग कर दिया है और क्लेचर को भी। तो ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसे हमने प्लास्टिक के बोरे से बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।